लड़की ने एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी वो उसको क्रैक नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो अंदर से पूरी तरह से टूट गई। उसके पिता से अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं गई। फिर उन्होंने एक दिन अपनी बेटी को बुलाया, मेरे साथ एक बार किचन में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। किचन में पहले से ही उन्होंने गैस स्टोव के ऊपर 3 बोल रखे हुए थे। बोल था उसमें से आलू निकाले और निकाल करके एक प्लेट पे रख दिए। दूसरे बोल में से उन्होंने वो अंडे निकाले और निकाल करके और प्लेट में रख दिए। और तीसरे बोल में से जो कॉफी थी उसको छान करके एक कप के अंदर भर दिया। तो जब उसको छुआ और थोड़ा सा दबाया तो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे। उन अंडों को तोड़ा तो वो हार्ड थे। कॉफी वाला कप उठाया और अपनी बेटी को कहा कि एक बार इसको सूंघ करके देख, तुमने ध्यान से देखा कि क्या हुआ यहाँ पर। ये तीनों ही बिल्कुल एक ही सिचुएशन में गए, लेकिन तीनों ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो पहला यानी कि आलू, जब हमने उसको उस पानी में डाला था उससे पहले वो बहुत ही हार्ड थे और स्ट्रांग थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद में वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, यानी कि कमजोर पड़ गए। दूसरे थे अंडे, जो गर्म पानी में जाने से पहले अंदर से बिल्कुल ही कमजोर थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद वो अंदर से स्ट्रांग हो गए। तीसरी थी कॉफी, जिसने कुछ ऐसा किया जो इन दोनों से बिल्कुल अलग था, यानी कि उसने उस गर्म पानी में जाने के बाद में खुद को नहीं बदला बल्कि उस पानी को ही बदल दिया। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। तुम्हारे ऊपर है कि तुमको इन तीनों में से क्या बनना है। एक, आलू के जैसा, यानी कि जब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो तुम अंदर से पूरी तरह से टूट जाओ, यानी कि कमजोर पड़ जाओ। दूसरा, अंडे के जैसा, यानी कि जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए वो मुश्किलें तुमको अंदर से तोड़े नहीं बल्कि तुम अंदर से और स्ट्रांग हो जाओ। या फिर तीसरा, यानी कि कॉफी के जैसा, मतलब कि जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए तो तुम ना सिर्फ उन मुश्किलों का डट करके सामना करो बल्कि अपनी जिंदगी को ही बदल दो।